Delta 29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. शेंडा शेरर एक बहुत ही पॉपुलर और खुश मिजाज लड़की थी। वो हेजलवुड मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा आउटगोइंग थी और इस पर्सनालिटी की वजह से उसके लिए नए नए दोस्त बनाना बहुत आसान था। कहानी की शुरुआत होती है शेंडा शेरर के एक लोकल स्कूल डांस के साथ। साल था 1991 और वही वो दिन था जिस दिन शेंडा अपनी एक क्लासमेट से मिली जिसका नाम था अमेंडा हेवरिन। और उसी दिन से वो लड़कियाँ एक दूसरे के करीब आने लगी और उनका रिलेशनशिप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल गया। शेंडा और अमेंडा दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और डांस कर रहे थे, मगर ये सब एक 16 साल की लड़की मेलिंडा लवलेस ने देख लिया था और वो इन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेलिंडा पहले अमेंडा को डेट कर चुकी थी। उसके बाद आने वाले कुछ हफ्ते शेंडा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थे क्योंकि मेलिंडा उसको लगातार धमकियाँ दे रही थी। साथ ही वो अमेंडा को भी नोट्स भेज रही थी और उन नोट्स में ये लिखा था कि वो चाहती है कि उसकी नई पार्टनर जल्द से जल्द मर जाए। ये सब थी तो बहुत हैरान करने वाली चीज़ें, मगर किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि मेलिंडा जो बोल रही है असल में वो उसे करने की इच्छा भी रखती है और वो इस हद तक भी जा सकती है। मगर मेलिंडा का बचपन कुछ अच्छा नहीं गुजरा था। उसके पिता ने उसकी माँ का उसी के सामने कई बार शोषण किया था जिसकी वजह से मेलिंडा की मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी। 10 जनवरी 1992 की रात बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और मेलिंडा ने यह निश्चय कर लिया था कि आज के दिन वो शेंडा की जान लेकर ही रहेगी। उसने अपने तीन दोस्त लॉरी, होप और टोनी को अपने साथ शेंडा को मारने के प्लान में शामिल कर लिया। उस रात को शेंडा अपने पिता के घर पर ही अपना वीकेंड बिता रही थी। मेलिंडा के तीनों दोस्त लॉरी, होप और टोनी शेंडा के घर पहुंच जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हम तुम्हें लेने आए हैं ताकि तुम बाहर जाकर अमेंडा से मिल सको। शेंडा उस वक्त तो उनके साथ नहीं जा पाई, मगर उसने उन सभी को बोला कि जब मेरे पेरेंट्स सो जाएंगे उसके बाद तुम वापस आना और फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। जब उसके पेरेंट्स सो गए तो शेंडा ने उन्हें वहाँ बुला लिया, मगर वो बिल्कुल बेखबर थी कि गाड़ी की बैक सीट पे मेलिंडा एक कंबल के नीचे छुपी हुई है और उसके पास एक चाकू भी था। शेंडा को लगा कि वो सभी लड़कियाँ उसके साथ पास ही के एक घर में जा रही है जो सालों से खाली पड़ा था और आसपास के बच्चे अक्सर वहाँ पर जाया करते थे और पार्टीज करते थे। मगर तभी अचानक मेलिंडा कंबल में से बाहर निकलती है और शेंडा पर हमला बोल देती है और चाकू से शेंडा का गला काट देती है। और शायद इस समय पर शेंडा को पता चल गया था कि ये कोई हसीन रात नहीं होने वाली थी जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड अमेंडा से मिलती, बल्कि ये रात उसकी ज़िंदगी की सबसे भद्दी रात होने वाली थी। चारों लड़कियाँ शेंडा को एक सुनसान जगह पर ले गई। मेलिंडा की तीनों दोस्तों को उसके पूरे प्लान के बारे में नहीं पता था। वो बस ये जानती थी कि मेलिंडा शेंडा से हद से ज़्यादा नफरत करती है और वो बस उसे तंग करना चाहती है और कुछ चोट पहुंचाना चाहती है, मगर वो बहुत ज़्यादा गलत सोच रही थी। उस सुनसान जगह पर पहुंचने के 8 घंटे तक लगातार मेलिंडा, लॉरी और होप शेंडा का यौन शोषण करते रहे, मगर टोनी थोड़ी घबरा गई थी और उसने वो सब करने के लिए साफ मना कर दिया था। तीनों लड़कियां शेंडा को लगातार टॉर्चर कर रही थी और ये लड़कियां बस यहीं तक नहीं रुकने वाली थी। उसके बाद उन तीनों लड़कियों ने शेंडा के कपड़े फाड़ दिए, उसको लगातार पंच करती रहीं और खिड़की साफ करने वाला विंडो क्लीनर उसकी आंखों में स्प्रे करती रहीं। शेंडा दर्द से कराह रही थी, मगर लड़कियाँ उसे इतने सुनसान जगह पर ले गई थी कि किसी को भी उसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही थी। ये टॉर्चर कई घंटों तक चलता रहा और उसके बाद इन लड़कियों ने शेंडा को उठाया और अपनी कार की डिक्की में डाल दिया। जब मेलिंडा ने गाड़ी में शेंडा का गला काटने की कोशिश की थी तब उससे ज़्यादा गहरा घाव नहीं हुआ था क्योंकि वो चाकू धारदार नहीं था, मगर ये लड़कियाँ बाज नहीं आ रही थी।
उन्होंने शांडा की चेस्ट पर लगातार उसी चाकू से वार करने शुरू कर दिए। इतने टॉर्चर और मारपीट के बाद लड़कियों को लग रहा था कि शांडा अब शायद मर चुकी होगी, और वो उसे लॉरी के घर पे ले गए। उन्होंने अपने कपड़े साफ किए और बैठकर पार्टी करने लगी, सोडा पीने लगी, स्नैक्स खाने लगी। और उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था शांडा अब तक मरी नहीं है, बल्कि वो उन्हीं की कार की डिक्की में लगातार चीखती चिल्लाती रही और मदद की गुहार लगाती रही। लॉरी और मेलिंडा घर से निकले और फिर से शांडा को एक सुनसान जगह पर ले गए और उस पर चाकू से फिर से वार करने लगे। और उसके बाद जो उन्होंने किया मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। उन्होंने अपनी गाड़ी का टायर आयरन लिया और उन्होंने वो टायर आयरन शरीर के पिछले हिस्से में डाला और उसको टॉर्चर किया। लॉरी और मेलिंडा ये सब करने के बाद फिर से घर वापस आ गई और अपने बाकी दोस्तों को जो भी उन्होंने शांडा के साथ किया वो बताने लगी और हंसने लगी। सुबह होने ही वाली थी और चारों लड़कियां अपनी गाड़ी को लेकर गैस स्टेशन पहुंची और वहां से उन्होंने 2 लीटर की एक पेप्सी की बोतल ली। उन सभी लड़कियों ने वो पेप्सी पी और उस बोतल को गैस से भर लिया, जिसके बाद वो सारी लड़कियां फिर से एक सुनसान जगह पर गई। अपनी गाड़ी के डिक्की में से उन्होंने शांडा को निकाला, उसको एक कंबल में लपेटा। जिस समय वो उसे निकाल रही थी शांडा दर्द से कराहते हुए माँ माँ चिल्ला रही थी। सभी लड़कियां उसको धकेलते हुए जंगल के अंदर ले गई। जो गैसोलीन उन्होंने अपनी पेप्सी की बोतल में भरा था वो गैसोलीन वो शांडा के शरीर पर डालने लगी और उसके बाद उन्होंने एक जीती जागती लड़की में आग लगा दी। ये करने के बाद चारों लड़कियां गाड़ी लेकर वहां से निकल गई, मगर कुछ देर बाद वो फिर से वहां पर आई, ये सोचते हुए कि अब तक तो वो शायद पूरी जल चुकी होगी और कोई भी सबूत नहीं बचा होगा। मगर उन्होंने देखा कि वो पूरी तरीके से नहीं जली है, जिसके बाद उन लड़कियों ने फिर से उसको जलाया। गाइस, ये सब बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि इतना टॉर्चर और एक ज़िंदा इंसान को जलाने के बाद इन लड़कियों के अंदर कोई भी शिकन नहीं था। ये सब करने के बाद वो ब्रेकफास्ट करने मैकडोनल्ड्स चली गई और वहाँ जाकर हंसी ठिटोली करने लगी। और जो सॉसेज वो खा रही थी उसे वो शांडा के मृत शरीर और जले हुए शरीर के साथ कंपेयर करने लगी। दोपहर हो गई थी और मेलिंडा ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अमांडा के पास फ़ोन किया और उसे बताया कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड शांडा के साथ क्या किया है। किसी भी आम इंसान को इस हरकत पर भरोसा नहीं होता और अमांडा को भी मेलिंडा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। चारों लड़कियों में से टोनी, जिसने टॉर्चर करने से और कुछ भी करने से बाकी सबको मना कर दिया था, मगर वो हर समय उनके साथ ही थी, वो और एक और लड़की होप, उन दोनों के अंदर शायद कुछ इंसानियत बची थी। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्होंने अपने जुर्म कबूल कर लिए। उसके अगले दिन चारों लड़कियों को पकड़ लिया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। टोनी और होप इस मर्डर के कुछ कम भागीदार थे, जिसकी वजह से टोनी को 20 साल और होप को 50 साल की जेल हुई। मेलिंडा और लॉरी को 60 साल तक की जेल हुई और वो आज तक जेल में बंद है। कुछ समय बाद एक इंटरव्यू में लॉरी ने बताया कि मैं तो शांडा को जानती तक नहीं थी और मुझे नहीं पता था उस शाम क्या होने वाला है और ना ही जो हुआ वो मैं करना चाहती थी। मैंने जो भी किया मेलिंडा के दबाव में आकर किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता लग गया कि मेलिंडा के पिता एक बहुत ही टॉर्चरस और अब्यूजिव आदमी थे, जिसकी वजह से बाद में उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। गाइस, जहाँ तक ये एक दरिंदगी की बात थी, वहीं दूसरी तरफ इसमें मेलिंडा की मेंटल हेल्थ का भी कसूर था, जिसकी वजह से इंडियाना की प्रिजन सिस्टम ने मेलिंडा को एक प्रोग्राम में इनरोल करा दिया, जहाँ पर उसको छोटे छोटे पपीज़ को ट्रेन करना था। और आप शांडा की माँ का दिल देखिए, उन्होंने अपनी ही बेटी की मर्डरर मेलिंडा के लिए एक पपी डोनेट किया ताकि वो उसे ट्रेन कर सके। आखिरी में बस इतना ही कहूँगी कि जो टॉर्चर शांडा ने उस रात को महसूस किया होगा वो शायद आप और हम जैसे इंसान कभी नहीं समझ सकते। और केस की डिटेल्स जानकर बस मन यही कहता है
कि चारों लड़कियों को फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए थी, मगर उनकी एज और मेंटल हेल्थ के कारण अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। आपका इस पूरे केस के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही क्राइम वीडियोस आपको आगे भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली क्राइम वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।